दोस्तों, भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट, जो भारत में कुश्ती संघ से विवाद के बीच में काफी चर्चा में थे, जिनको लेकर कई सारी तस्वीरें आई थी घसीटने की, विरोध करने की, जिन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप बहस चल रहा था, उन्होंने ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इतिहास रचने से सिर्फ वो एक कदम दूर है और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की उत्सना लिवाज को वो हरा दिया है। अब उनकी मेडल की उम्मीद कायम है। हालांकि इससे पहले जो उनका मुकाबला हुआ था, वो मुकाबला आज उन्हें चर्चा में ले आई है, क्योंकि जिसे कोई नहीं हरा पाया था सारी दुनिया में, उसे विनेश फोगाट ने हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से हराया, और ये वो सुसाकी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 14 साल से सुसाकी कभी नहीं हारी थी और उन्हें भारत की बेटी विनेश फोगाट ने हरा दिया, और इसीलिए इसे ओलंपिक का सबसे बड़ा उलटफेर कहा गया है। विनेश फोगाट जो वो प्लेयर है जिन्हें बैन कर दिया गया था, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चली गई थी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, बहुत सारी घटनाएं बीते 4 सालों में उनके साथ हुई, लेकिन अब उन्होंने उस खिलाड़ी को हरा दिया है जो हारती ही नहीं है। 14 साल से जो खिलाड़ी कभी नहीं हारी, उसे हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाइड किया और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड करके यूक्रेन के खिलाड़ी को हरा दिया। विनेश फोगाट के बारे में बहुत सारी बातें सामने आई थी। नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और विनेश फोगाट उन खिलाड़ियों में थी जो विरोध कर रही थी। सड़क पर घसीटने की तस्वीर सामने आई थी। विनेश फोगाट ने देश के नाम रोशन किया है, भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है, और जिस तरह से विनेश ने कभी ना हारने वाली खिलाड़ी को हराया है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल के भी दावेदार हैं। विनेश फोगाट ने अपना पहला मैच राउंड 16 में जीता, उसके बाद राउंड 16 से बड़ा वो मैच था, क्योंकि जिस पहलवान को वो हराया वो मामूली पहलवान नहीं थी। सुसाकी बहुत बड़ी पहलवान है, वो पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वो पहलवान थी जो 17, 18, 22, 23 की चैंपियन थी, वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं। तो दंगल क्वीन विनेश फोगाट फिलहाल ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, जबरदस्त तरीके से उनकी एंट्री हो चुकी है। हालांकि विनेश को बहुत सारी परेशानियां हुई है, चाहे वो प्रोटेस्ट का मामला हो, लेकिन जब वो मैदान में वापसी की तो वर्ल्ड नंबर 1 को हरा दिया, और ये उपलब्धि जो है वो बहुत बड़ी है। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को उन्होंने हराया। बहुत सारे लोग उस दिनों को याद कर रहे हैं जब विनेश के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहा था प्रोटेस्ट कुश्ती संघ वाला, लेकिन अब दुनिया उनकी तारीफ कर रहा है। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है, 2016 की रही थी, पर प्री क्वार्टर फाइनल में वो चोट से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में पहुँच कर भी हार गई थी। ओलंपिक तक उनकी पहुँचने की लड़ाई जो है वो काफी पहले से शुरू हो गई थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें बैन कर दिया गया। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने कहा था कि हमने को टेस्ट का भेज दिया था। बाद में पहलवानों और ब्रिजभूषण के बीच लड़ाई हुई थी, लेकिन अब विनेश फोगाट जिनको कहा जा रहा था कि तानों से परेशान होकर डिप्रेशन में चली गई थी, साइकोलॉजिकली जो काफी कमजोर थी, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। विनेश फोगाट ने सुसाकी को 3-2 से हराया। हमारे तरफ से विनेश फोगाट को बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हिंदुस्तान के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने बनाया नया रिकॉर्ड 2024 ओलंपिक में भी। हिंदुस्तान के लिए जहां पहले विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, तो उसके बाद नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर दिल जीत लिया, मजा आ गया। 89.34 मीटर का पहला थ्रो नीरज चोपड़ा का ये क्वालिफाइंग राउंड था। फाइनल में जाने से पहले, फाइनल में जाने के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड रहता है, वो क्वालिफाइंग राउंड में पहला थ्रो था उनका 89.34 मीटर का। इसी हिसाब से ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का, ओलंपिक क्वालिफायर में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन रहा, और इसके साथ नीरज चोपड़ा ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइड कर लिया। तो इस बार फाइनल में अपने 90 मीटर का जो उनका रिकॉर्ड है, उम्मीद है कि वो उसको भी तोड़ेंगे। 2020 ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार भी सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बार और गोल्ड जीतेंगे। ऐसा अगर हो सकता है तो नीरज चोपड़ा 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी भारतीय ने 2 गोल्ड नहीं जीते हैं इससे पहले। हॉकी इंडिया टीम ने कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन कभी भी कोई भारत का एथलीट 2 गोल्ड नहीं जीत पाए हैं ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद नीरज चोपड़ा जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, और अगर एक भी मेडल
उन्होंने जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, तो हिंदुस्तान के वो अब तक के इतिहास के सबसे बड़े एथलीट बन जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने आगाज किया है, जिस तरह से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है, सभी को उम्मीद है कि इस बार भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे।